Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Aisha Saleem, and I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss our second topic, that are pure substances, and we'll focus on the element. Under आज के lecture के अंदर हम अपने जिस SLO को cover करेंगे उसमें हम differentiate करेंगे that some atoms are made up of atoms and some elements exist as a molecule. उसके अलावा हम इनकी different properties को भी discuss करेंगे. तो अपने lecture को मजीद आगे बढ़ाते हैं. बट बिफोर दिस लेट्स रिवाइज प्रीवियस नॉलेज. तो आप इन दी गई पिक्चर्स के अंदर से होमो एटोमिक मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कीजिए और मुझे बताइए कि इनमें से हमारे पास होमो एटोमिक मॉलिक्यूल कौन सा है. वेरी गुड. हमारे अब इसी नॉलेज को फर्दर आगे परस्यू करते हैं हम कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर कंसिडर्ड एज प्योर. फर्स्ट वन इज द आयरन बार एंड सेकेंड वन इज द वॉटर. तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से हमारे पास प्योर मॉलिक्यूल या हमारे पास प्योर सब्सटेंस कौन सी होगी. वेरी गुड. अगर हम इन चीजों को गौर से देखें या इफ यू कीप डिवाइडिंग दीज सब्सटेंसेस हम देखेंगे कि हमारे पास आयरन आयरन एटम से मिलकर बना है, जबकि वॉटर का मॉलिक्यूल हमारे पास वॉटर वॉटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है. तो अब मुझे बताइए कि इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास इनमें से प्योर सब्सटेंस कौन सी है. वेरी गुड. हमारे पास दोनों ही प्योर सब्सटेंस है, बट देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम. हमारे पास इनके दरमियान डिफरेंस है बेसिक यूनिट का. अगर हम इस सब्सटेंस को मजीद फर्दर डिवाइड करते जाएं, स्प्लिट करते जाएं, तो इट एंड्स अप इन आयरन एटम्स. वेयर एज इफ वी कीप डिवाइडिंग दिस यूनिट इट एंड्स अप इन टू एटम्स. फर्स्ट वन इज द हाइड्रोजन एंड सेकेंड वन इज द ऑक्सीजन. और ऐसा सब्सटेंस जिसकी जिसका बेसिक यूनिट जिसका स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास एटम्स पर मुश्तमिल हो, एक ही किस्म के एटम्स पर, उनको हम कहते हैं एलिमेंट. Whereas in this case we name this term as compound. हम इसको compound का नाम देते हैं. तो हमारे पास दोनों ही pure substances हैं. But आज के lecture के अंदर हम अपनी first pure substance को discuss करेंगे, that are elements. So dear students, हमारे पास elements एक ही किस्म के atom या फिर individual atom से मिलकर बनते हैं. तो हमारे पास अगर periodic table के अंदर 118 elements हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास periodic table में 118 elements ही हैं that are arranged in it, जो कि इसके अंदर arrange हुए हुए हैं. फर्दर हमारे पास हमने एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया दो कैटेगरीज में. फर्स्ट वन इज द एटॉमिक एलिमेंट, वेयर एज सेकंड वन इज द मॉलिक्यूलर एलिमेंट और मॉलिक्यूलर एलिमेंट. अगर हम एटॉमिक एलिमेंट की बात करें तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिनका बेसिक यूनिट हमारे पास एटम ही होता है, इस तरह के सब्सटेंसेस को, इस तरह के एलिमेंट्स को हम एटॉमिक एलिमेंट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिल्वर हो, आयरन हो गया, निकल हो गया. लेकिन मोलेक्युलर एलिमेंट्स के केस में हमारे पास बेसिक यूनिट जो है वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि इसके अंदर एटम दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन करते हैं और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को तश्कील देते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस हो गई या फिर हाइड्रोजन गैस हो गई. ये दोनों हमारे पास इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, जबकि हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलेगा. और इस तरह के एलिमेंट्स को हम मोलेक्युलर एलिमेंट्स का नाम देते हैं. फर्दर हमारे पास इन्हीं की इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पर, एलिमेंट्स के स्टेट्स के बेस पर हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एटॉमिक एलिमेंट की बात करें तो एटॉमिक एलिमेंट हमारे पास यूजली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, बट अगर मोलिकुलर एलिमेंट्स की बात करें तो दे आर यूजली गैसेस एट रूम टेम्परेचर. फर्दर अब मुझे बताइए कि इस पीरियोडिक टेबल में से हमारे पास सॉलिड और गैसियस एलिमेंट्स कौन से हैं. वेरी गुड. हमारे पास कुछ एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया या फिर हाइड्रोजन हो गया, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि गैसियस फॉर्म में एक्सिस्ट करते हैं, जबकि कुछ एलिमेंट्स लाइक सिल्वर हो गया या गोल्ड हो गया, ये इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में एक्सिस्ट करते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं. नाउ अब उसी नॉलेज जो अभी हमने सीखा उसी के बुनियाद पर मुझे बताइए कि पिक आउट द एलिमेंटल सब्सटेंस फ्रॉम द गिवन पिक्चर्स. वेरी गुड. हमारे पास एलिमेंटल सब्सटेंस फर्स्ट वन है. नाउ मूविंग टू टुवर्ड्स द सेकंड एक्टिविटी अकॉर्ड फ्रॉम द गिवन पिक्चर्स डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक एलिमेंट्स एंड द मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स.
वेरी गुड. अगर एटॉमिक एलिमेंट की बात करें तो हमारे पास इंडिविजुअल एटम दैट इज हीलियम, ये हमारे पास एटॉमिक एलिमेंट है, व्हाइल द रेस्ट ऑफ टू आर द मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स एज दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स. नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि विच वन इज द एलिमेंट एंड विच वन इज द कंपाउंड फ्रॉम द गिवन टू पिक्चर्स. वेरी गुड. हमारे पास This one is the element, whereas this one is the compound. क्या आप मुझे इसकी रीजन बता सकते हैं? Very good. हमारे पास ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर कॉम्बिनेशन से बनी है, जबकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स की कॉम्बिनेशन से बनी है. अपने अगले लेक्चर्स के अंदर हम मजीद डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर कंपाउंड्स एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड, और मजीद इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे. लेट्स समराइज अवर लेसन. आज के लेक्चर के अंदर हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा और मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस विद एटम्स ऑफ सिंगल टाइप दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड. उसके अलावा हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं दैट आर अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल. एलिमेंट्स आर आइदर एग्जिस्ट एज एटम्स लाइक आयरन और गोल्ड, और एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बिकॉज इंडिविजुअली ये अनस्टेबल होते हैं. इसके अलावा कुछ एलिमेंट हमारे पास अनस्टेबल होते हैं जो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स को तश्कील देते हैं, जिनके बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा के फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. और इसी बुनियाद पर हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलहदा होती हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ हमारे पास सॉलिड होंगे, कुछ हमारे पास गैसेस फॉर्म में होंगी, और कुछ एलिमेंट्स हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होंगे. नाउ अब इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए, अप्लाई करते हुए हम एक वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, और इस वर्कशीट का लिंक ये आपको अवेलेबल होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. सो पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड क्विकली सॉल्व दिस वर्कशीट. वेरी गुड. मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर लिया होगा. नाउ दिस इज योर होमवर्क. सेलेक्ट थ्री एलिमेंट्स फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल, राइट अ पैराग्राफ अबाउट ईच एलिमेंट कवरिंग इट्स प्रॉपर्टीज, uses and importance in the industry of technology. Inshallah, अगले lecture के अंदर हम elements के symbols के बारे में discuss करेंगे और इस topic को complete करेंगे. तो dear students, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. Thank you very much and Allah Hafiz.